हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर के लिए साउंड ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर इंटरनेट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में कंप्यूटर के लिए साउंड ड्राइवर डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना बताऊंगा। कई केसेस में ऐसा होता है कि जब आप अपने कंप्यूटर का विंडोज़ इंस्टॉल कराते हो या करते हो तो आपके कंप्यूटर का साउंड भी गायब हो जाता है, जिसे आप फिर किसी शॉप पे लेके जाते हो जहाँ पे आपसे अच्छा खासा पैसा चार्ज कर लिया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद ही अपने कंप्यूटर के लिए साउंड ड्राइवर कैसे डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप की तरफ और करते हैं अपने कंप्यूटर के लिए एक साउंड ड्राइवर डाउनलोड। तो जब अगर आपके कंप्यूटर में साउंड ड्राइवर नहीं होता है तो आपका यहाँ पे आइकन जो क्रॉस का निशान शो करता है। तो अब इसको हम इंस्टॉल करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है, अपने कंप्यूटर के आइकन पर राइट क्लिक करके इधर ऑप्शन होता है मैनेज का, यहाँ पर माई कंप्यूटर का आइकन है, इसको मैनेज पर क्लिक करना है। तो मैनेज पर क्लिक करने के बाद एक यहाँ पर हमारी विंडो खुलेगी। तो विंडो में इधर हमें ऑप्शन मिलेगा डिवाइस मैनेजर का, तो हमें डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है। जितने भी हमारे कंप्यूटर में डिवाइस इंस्टॉल होती है हमें वहाँ पे दिखती हैं, तो हमें ढूंढना है साउंड वाला डिवाइस। तो हमें साउंड इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे हमें साउंड का डिवाइस मिला और यहाँ पर हमें साउंड के इस जो हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना है उसका हमें साउंड यहाँ पर दिख जाता है। तो उसके हमें करना क्या है, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे हमें क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद इधर हमें जाना है नंबर 3 के टैब पे, जहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स, यानी कि ड्राइवर की डिटेल हमें देखनी है। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से हार्डवेयर आईडीज़ हमें सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको देखिए हमारे यहाँ पर आईडी मिल गई, हमें इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको कॉपी करना है। कॉपी करके ओके करते हैं। इस ड्राइवर को कॉपी करके अब हमें ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र में गूगल में लिखना है, एक वेबसाइट है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, जैसे आप इसको लिखोगे तो ये फर्स्ट पे वेबसाइट आ जाएगी। तो जैसे ही वेबसाइट को हमें क्लिक करना है, इस पर देखिए यहाँ पे drp.su के नाम से वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से हम अपने कंप्यूटर के कोई भी ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर वेबसाइट ओपन कर लिए, वेबसाइट ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर जाना है ऊपर में ड्राइवर सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ड्राइवर सर्च पे क्लिक करेंगे तो सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा और जो हमने साउंड की आईडी कॉपी की है, जो ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना है या डाउनलोड करना है उसकी हमें आईडी कॉपी करनी है। यहाँ पे जाके देखिए इस तरह से यहाँ पे कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद अब हमें ब्राउज़र में जाना, वहीं पर सर्च बॉक्स में ये आईडी पेस्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता है कि ये क्या ड्राइवर है। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं फाइंड पर। फाइंड पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर हमें सारी डिटेल हमें दिखा देगा कि आप किस विंडो के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं। और यहाँ पे विंडो हमें 7 यूज़ कर रहा हूँ 86, तो यहाँ पे सब दिखा रहा है, आईडी वगैरह यहाँ पे सब शो कर रहा है। और इधर आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं डिवाइस की टाइप, यहाँ पे इधर डिवाइस की टाइप यहाँ पर साउंड कार्ड है, इसको हमें यहाँ पर सिंपली अब डाउनलोड ड्राइवर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ड्राइवर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ड्राइवर हमारा पे डाउनलोड हो जाता है तो हमें सिर्फ अब करना क्या होता है कि इसको सिंपली इंस्टॉल करना होता है। तो हमारा ड्राइवर यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका है, तो अब हमें यहाँ पे इसको ओपन करना है। जैसे हम और किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं सेम इसको भी ऐसे ही रन करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया, या एक तरीका है जहाँ पर आपने इसको डाउनलोड किया आप वहाँ पर इसको जा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको डाउनलोड्स के फोल्डर में रखा है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इसको राइट क्लिक करके इसको ओपन कर दूँगा। जैसे और सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं इसी तरह से, तो इसको हमने ओपन कर दिया तो अभी हमारा एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा। हमें यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है इंस्टॉल ड्राइवर ओनली फॉर वीआर, इसको हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेटअप विजार्ड ओपन हो जाएगा। इसे एंटीवायरस सिक्योरिटी है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट करके अपना ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा ड्राइवर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए कुछ ही सेकंड में हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए हमारा ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और हमें इसको सिंपली क्या है फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हम इसको रीस्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर को बोला जा रहा है, तो हमें रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा, तभी हमारा यहाँ पर ड्राइवर
शो होगा। हमारा ड्राइवर तो साउंड ड्राइवर हमारा साउंड है वो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन हमारा जो शो होगा वो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के बाद ही शो होगा। तो अभी मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ कि मैं अभी यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देता हूँ और पॉज करके मैं अपने कंप्यूटर रिस्टार्ट करके आपको फिर से दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट कर दिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करके ओपन किया है तो मेरा ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरा अब यहाँ पे कोई क्रॉस का निशान नहीं आ रहा है और ड्राइवर मेरा इंस्टॉल हो चुका है, साउंड मेरा आ चुका है, देखा आपने। तो हमारा इस तरह से हम अपने साउंड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।